बड़ी खबर की बात करते हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे, जम्मू कश्मीर की चनैनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बनी जसरोटा और मण में भी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो देश के गृहमंत्री और बीजेपी के चाणक्य जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज जम्मू कश्मीर के चनैनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बनी जसरोटा और मण में भी वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो बेहद अहम ये जनसभा चुनाव के लिहाज से, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जम्मू कश्मीर के चनैनी में पहले उनकी जनसभा होगी, इसके बाद बनी जसरोटा और मण में भी उनकी जनसभा होगी, वो लोगों से संवाद भी करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान बताया जा रहा है कि वो चनैनी में, जम्मू कश्मीर के चनैनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद एक दो नहीं तीन तीन बनी जसरोटा और मण में जनसभा करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किराकत के सपा विधायक तूफानी सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बरसठी ब्लॉक अध्यक्ष को फोन से गाली गलौज और गोली मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बरसठी थाने में विधायक तूफानी सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मौजूदा सांसद प्रिया सरोज के पिता हैं तूफानी सरोज, जिनके खिलाफ ये दर्ज हुआ है केस। बड़ी जानकारी जौनपुर से, जहां पर किराकत के सपा विधायक तूफानी सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और बड़ी बात आपको बता दें, अपने ही ब्लॉक अध्यक्ष को उन्होंने फोन से गाली गलौज की थी, उनके साथ गोली मारने की धमकी भी दी थी और इस मामले में अब उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि मौजूदा सांसद प्रिया सरोज के पिता हैं तूफानी सरोज, जिन पर यह दर्ज हुआ है मामला। और बड़ी खबर आपको बता रहा, अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक बस जो है वो हाईजैक कर ली गई है। एक बंदूकधारी ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं यहां पर और इस गोलीबारी में एक यात्री की मौत की भी खबर आ रही है। संदिग्ध शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, अमेरिका के लॉस एंजल्स में बस हाईजैक हुई, इस दौरान बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग भी की और इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत की खबर आई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उसके बाद इस संदिग्ध शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका की, जहां पर एक बस को हाईजैक किया गया और ये हाईजैक करने वाला एक शख्स जो बंदूकधारी था, उसने अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी और इस फायरिंग में एक यात्री की मौत की खबर आ रही है। हालांकि एक संदिग्ध शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं या कोई कभी मंडी से, कभी कुल्लू से या कभी और जगह से, इसको जो है एक हम बिल्कुल बंद करें और एक ऐसी कोशिश करें ताकि हमारे जो प्रदेश का और शहर का जो माहौल है वो अच्छा रहे। देश सबका है, इस बात से कौन मुकर रहा। ये बात भी सही है कि चंद भीड़ तय नहीं करेगी कि कौन कहां रहेगा, लेकिन जो शांति और अमन का ढोंग करने वाले हैं उन्हें अब क्यों सौहार्द की याद आ रही है। महीने भर बाद क्यों ख्याल आया कि शहर में शांति मार्च निकालना चाहिए, यही सियासत है। दूसरी बात ये कि इसमें कोई शक नहीं कि शिमला में बिगड़े हालात की वजह से पर्यटन पर प्रभाव पड़ा, लेकिन क्या शांति और अमन के नाम पर किसी की मनमानी पर चुप्पी साधे रहना कहां तक उचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां एक नाबालिग ने अपने पिता की चाकू गोद कर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट से बता दें। चीख पुकार मच रहे इस घर में पिता की हत्या हुई है और हत्या करने वाला सगा बेटा है। मामला कोतवाली के यमुनापुरम कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस थाने में तैनात हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार से 10वीं क्लास में पढ़ने वाले उनके नाबालिग बेटे ने कार की चाबी मांगी। जब पिता ने चाबी देने से इनकार कर दिया तो नाबालिग बेटे ने किचन से चाकू लाकर पिता के सीने में गोद दिया, जिससे प्रवीण की मौत हो गई। मना कर रहे कि हम गाड़ी अब तुझे नहीं देंगे, तू कहना नहीं मानता है, इसी बात पे वो थोड़ी झंगा झपटी सी होने लगी। तो वो एकदम गया उससे में किचन में, वहाँ से जो सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है वो ले आया निकाल के, वो जैसे मारने लगा, मैं दूसरे कमरे में था। अब वो उन्होंने ऐसे रोका, भाई क्या करे, इतने में ही उसने झट चाकू मार दी। आनंद फानंद में पुलिस को बुलाया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है।
और चलिए बात करते हैं राजस्थान के बाड़मेर की। राजस्थान के बाड़मेर में डीएम टीना डाबी ने दुकानदारों को फटकार लगाई। असल में स्वच्छता अभियान वो चला रही थी और इसी दौरान दुकानदारों को क्यों फटकार लगाई, इस रिपोर्ट में समझिए। देश की सबसे चर्चित आईएएस और बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी अपने काम करने के स्टाइल के चलते अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर वो सड़कों पर उतरी नजर आई। इस बार टीना डाबी ने बाड़मेर शहर के मुख्य चौराहे अहिंसा सर्कल से राजकीय अस्पताल तक की सड़क पर नवो बाड़मेर अभियान शुरू किया है। दूसरी बार वहां साफ सफाई नहीं मिलने की स्थिति में डीएम टीना डाबी ने साफ और खुले शब्दों में शहर के दुकानदारों को साफ सफाई बरतने की हिदायत दे दी है। साथ ही दुकानदारों पर जुर्माना और अस्थायी ठेलों को जब्त करने की चेतावनी भी दी है। आईएएस टीना डाबी ने बाड़मेर जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण करने के बाद से बाड़मेर की तस्वीर बदलने की अभिनव पहल शुरू कर दी थी। कुछ ही दिनों बाद नवो बाड़मेर यानी नया बाड़मेर बनाने की पहल का आगाज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर की बात करते हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर की चनैनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बनी जसरोटा और मढ़ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो देश के गृहमंत्री और बीजेपी के चाणक्य जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज जम्मू कश्मीर के चनैनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बनी जसरोटा और मढ़ में भी वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो बेहद अहम ये जनसभा चुनाव के लिहाज से। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर के चनैनी में पहले उनकी जनसभा होगी, इसके बाद बनी जसरोटा और मढ़ में भी उनकी जनसभा होगी। वो लोगों से संवाद भी करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान बताया जा रहा है कि वो चनैनी में, जम्मू कश्मीर के चनैनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद एक दो नहीं तीन तीन बनी जसरोटा और मढ़ में जनसभा करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किराकत के सपा विधायक तूफानी सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बरसठी ब्लॉक अध्यक्ष को फोन से गाली गलौज और गोली मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बरसठी थाने में विधायक तूफानी सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मौजूदा सांसद प्रिया सरोज के पिता हैं तूफानी सरोज, जिनके खिलाफ ये दर्ज हुआ है केस। बड़ी जानकारी जौनपुर से, जहां पर किराकत के सपा विधायक तूफानी सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और बड़ी बात आपको बता दें, अपने ही ब्लॉक अध्यक्ष को उन्होंने फोन से गाली गलौज की थी, उनके साथ गोली मारने की धमकी भी दी थी और इस मामले में अब उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि मौजूदा सांसद प्रिया सरोज के पिता हैं तूफानी सरोज, जिन पर यह दर्ज हुआ है मामला। और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक बस जो है वो हाईजैक कर ली गई है। एक बंदूकधारी ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं यहां पर और इस गोलीबारी में एक यात्री की मौत की भी खबर आ रही है। संदिग्ध शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, अमेरिका के लॉस एंजल्स में बस हाईजैक हुई, इस दौरान बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग भी की और इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत की खबर आई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उसके बाद इस संदिग्ध शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका की, जहां पर एक बस को हाईजैक किया गया और ये हाईजैक करने वाला एक शख्स जो बंदूकधारी था उसने अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी और इस फायरिंग में एक यात्री की मौत की खबर आ रही है। हालांकि एक संदिग्ध शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।